ये रोलर पिछले 7 साल से जब सड़क बनी थी तब साथ में आया था, तब से यहीं पे खड़ा है। इसमें से बच्चे खोल खोल के सामान खोल खोल के केला खा रहे हैं। यह है हाथरस संसदीय क्षेत्र। ये सीट SC आरक्षित है। मुस्लिम जाट का दबदबा होने के बावजूद ये सीट BJP का गढ़ रही है। फिलहाल राजेश कुमार दिवाकर यहां से सांसद हैं। दिवाकर जी के काम के बारे में जानने के लिए मैं पहुंचा इनके गांव लाटपुर। देखो ये पूरी व्यवस्था कैसी बढ़िया भाई परी है। ये सांसद के काम को है ये लाड़पुर सांसद को है। देखिए जब सब लाइट फाइट की व्यवस्था को जी जा दिखाओ, जा जा फुट होता है, फुट होता है को नहीं। ये सांसद की बात दिखाओ ना, ये सांसद कितना बढ़िया काम कर रहा है। टक्कर देख के हम बन जाओ तो फोटो देखो। हमारे यहाँ की इतनी बुरी हालत है, आप देख रहे हो रोड देखो। हमारे यहाँ के लाड़पुर में अंदर पानी भरा हुआ है। आप मौके पे देखो क्या काम दिख रहे हो यहाँ पे। आप पानी भरा हुआ है देखो ये, और नाली टूटी हुई है। पूरे मार्केट को देखो आप, हमें क्या पूछ रहे हो। लाड़पुर मार्केट है ये, लाड़पुर मेन। इस गांव के सांसद है राजेश जी। इतने बढ़िया सांसद आज तक, हाँ इतने अच्छे अच्छे काम किए, क्योंकि आज तक कोई काम कर नहीं सकता। जैसे अपनी कोठी में से निकल बाहर निकल के नहीं देखा इन्होंने। लाड़पुर की, लाड़पुर के रहने वाले, मेरा गांव लाड़पुर कहाँ है, कोई काम ना बता रहा हूँ मैं। हमारे क्षेत्र में अच्छा हाथस में रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे तो आते ही आते नहीं बिल्कुल। जिससे पूछो वो यही कह रहा था कि ना तो सांसद जी ने कोई काम करवाया है और ना ही वे अपना क्षेत्र घूमने आते हैं। मैंने सोचा हो सकता है कि वे अन्य इलाकों में, अपने क्षेत्र के अन्य इलाकों में काम कराने में बहुत व्यस्त हों, इसलिए वे अपने इलाके की सुध ना ले सके हों। तो मैं पहुंच गया हाथरस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इगलास इलाके में। वो तब से MP चुने हैं तब से उन्होंने गांव नहीं देखा है। एक बार वोट मांगने आए थे, उसके बाद वो आज तक आए ही नहीं है। राजेश दिवाकर जी यहाँ आए नहीं कभी, क्योंकि रोड हमारी बेलोट से लेके यहाँ तक टूट चुकी है, और तोशियर से लेके यहाँ तक हमारे पास रोड ही नहीं है। सड़क पर कोई सुनवाई ना है रही, और सड़क में तमाम गड्ढा है। ये रोलर पिछले 7 साल से जब सड़क बनी थी तब साथ में आया था, तब से यहीं पे खड़ा है। इसमें से बच्चे खोल खोल के सामान खोल खोल के केला खा रहे हैं। ये हालत है हमारी डिपार्टमेंटों की और हमारे देश की।